हाउ आर यू क्लास सेकंड, वेलकम टू द खेतेश्वर यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी की बुक का के पार्ट फोर। कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट चौथा। कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट चौथा, आपकी हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर फोर। और आपकी हिंदी की बुक के पेज नंबर 25, हिंदी की बुक का पेज नंबर 25, चैप्टर नंबर फोर, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे? पार्ट चार। पार्ट चार इसका नाम क्या है? अधिक बलवान कौन। क्या नाम है? अधिक बलवान कौन। चैप्टर का नाम क्या है? अधिक बलवान कौन। तो आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने तीन चैप्टर पहले कर लिए हैं, थर्ड चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। तो देखो फोर्थ चैप्टर में आपको क्या बताया गया वो मैं अब आपको पढ़ाती हूँ। देखो क्या है, एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। क्या हुआ? हवा और सूरज में क्या छिड़ गई थी? बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा ने किससे कहा? सूरज से। क्या बोला? कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझमें तुमसे ज्यादा ताकत है। सूरज ने हवा से वापस क्या कहा? मुझमें तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। देखो सूरज ने हवा से क्या कहा? मुझमें तुमसे ज्यादा। हवा ने सूरज से कहा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तो सूरज ने भी हवा से कहा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तो दोबारा हवा बोलती है कि इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतार दे वही ज्यादा बलवान है। देखो हवा क्या बोलती है कि इस तरीके से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। एक आदमी निकलता है, उसके क्या पहन रखा होता है? कोट पहन रखा होता है। तो वो क्या बोलती है कि जो इस आदमी का कोट निकाल दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। सूरज क्या हुआ? हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है दिखाओ अपनी ताकत। किसने कहा? सूरज ने बोला। किससे बोला? हवा से बोला कि ठीक है तुम दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। हवा ने क्या किया? अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई और कोट उसने अपने दोनों हाथों में शरीर से लपेट रखा। देखो क्या हुआ, आदमी की टोपी तो उड़ गई, उसने कैप पहन रखी थी, लेकिन क्या हुआ, वो टोपी तो उड़ गई लेकिन कोट उसने क्या कर रखा था? दोनों हाथों से शरीर को लपेट रखा था और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। और जल्दी जल्दी उसने क्या किया, अपने कोट के बटन सारे बंद कर दिया। हवा और जोर से चलने लगी, अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। फिर क्या हुआ, हवा क्या हुई और जोर से चलने लगी, लेकिन क्या हुआ, कोट तो खुला नहीं, वो आदमी नीचे गिर गया। अब हमारे कोट पहना हुआ होगा और हवा जोर से चलेगी तो कोट खुलेगा थोड़ी ना, क्या होगा, हम नीचे बैठ जाएंगे, कोट नहीं खुलेगा। पर कोट उसके शरीर पर ही रहा, लेकिन क्या हुआ, कोट उसके शरीर पर ही रहा। हवा क्या बोलती है कि जो इस आदमी का कोट उतार देगा वही क्या होगा, अधिक बलवान होगा। हवा ने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन आदमी का कोट नहीं उतरा। हवा थक गई थी। अब हवा क्या हुई थी, हवा जो थी वो थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। फिर सूरज बोला, क्या बोला कि हवा तुमने तो तुम्हारी ताकत दिखा दी, अब उसने बोला कि अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। सूरज क्या हुआ, तपने लगा। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे अपने हाथ में लेकर चलने लगा। आदमी ने क्या किया, अपना कोट उतारा और हाथ में लेकर चलने लगा। अब जाहिर सी बात है, सूरज तपता है तो क्या होता है, गर्मी होती है, अब गर्मी में कोट कौन पहनेगा। तो उसने आदमी ने क्या किया, अपना कोट उतारा और अपने हाथ में ले लिया, जबकि हवा तो इतनी जोर से चल रही थी, अपनी पूरी ताकत लगा दी फिर भी उसका कोट नहीं खोल पाई। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत उतरवा दिया ना कोट। सूरज क्या बोलता है, देखा आपने मेरी ताकत, उतार दिया ना मैंने इस आदमी का कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया। हवा ने क्या किया, सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। और उसने क्या बोला कि मान गई मैं तुम्हारी ताकत को। तो ये आपके चैप्टर था जो क्या हुआ, फिनिश हो गया। अधिक बलवान कौन, चैप्टर का नाम क्या था, अधिक बलवान कौन। तो एक बार शॉर्ट में वापस चैप्टर पढ़ते हैं। देखो इस चैप्टर में क्या है, एक हवा थी और एक सूरज थे। हवा ने क्या किया, सूरज को बोला कि मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूँ। कौन बोली? हवा बोली। लेकिन सूरज ने क्या बोला, सूरज ने बोला कि मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूँ। दोनों के बीच में क्या होने लगा, दोनों ने बोला ठीक है देखते हैं। हवा बोलती है ठीक है देखते हैं हम दोनों में से ज्यादा बलवान कौन है, मतलब हम दोनों क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन कर लेते हैं, जो जीता वो बलवान होगा। तो सूरज भी मान जाता है ठीक है। तो वहां से क्या एक आदमी जा रहा होता है, उस आदमी ने क्या पहन रखा होता है, कोट पहन रखा होता है और टोपी पहन रखी होती है।
तो हवा बोलती है कि जिस आदमी ने इसका कोट उतरवा दिया, नहीं, हवा बोलती है कि जिसने भी इस आदमी का कोट उतरवा दिया वो क्या होगा, ज्यादा ताकतवर होगा। तो सूरज मान जाता है, सूरज बोलता है ओके ठीक है, तो स्टार्ट करो। तो पहले कौन आती है, हवा आती है। हवा क्या करती है, जोर से चलने लगती है। तो उससे क्या होता है, उस आदमी की हैट उड़ जाती है, उसकी टोपी उड़ जाती है। लेकिन वो क्या करता है, जैसे ही हवा तेज होने लगती है वो क्या करता है, फटाफट अपने कोट के बटन बांध लेता है और अपने हाथ ऐसे कर लेता है, और फिर ऐसे कर लेता है तो हवा और जोर से चलने लगती है। क्यों, क्योंकि हवा को क्या करना होता है, उसका कोट खोलना होता है। लेकिन कोट तो खुलता नहीं है और वो आदमी क्या होता है, गिर जाता है। क्या होता है, आदमी गिर जाता है। तब हवा क्या होती है, हवा थक जाती है और वो सूरज को बोलती है कि अब तुम्हारी बारी, क्योंकि हवा तो कोट उतार नहीं पाती। सूरज क्या होता है, सूरज तपने लगता है। क्या करने लगता है, तपने लगता है। अब ये मौसम भी अभी हमारा गर्मी वाला है, जब हमें गर्मी लगती है तो अपन क्या करता है, कोट पहन के थोड़ी ना लगता है, अपन क्या करते हैं, कोट खोल लेते हैं। तो सूरज जब तपता है तो उस आदमी को क्या होती है, गर्मी लगने लगती है। क्या लगने लगती है, गर्मी। और वो आदमी क्या करता है, अपना कोट खोलता है और अपने हाथ में ले लेता है। क्या करता है, कोट खोल के हाथ में ले लेता है। तो इससे क्या होता है, कौन जीत जाता है, सूरज जीत जाता है। तो हवा क्या करती है, हवा बोलती है सूरज को कि सूरज मैं मान गई तुम्हें, और वो क्या, मैं मान गई तुम्हें। और फिर वो सूरज को क्या करती है, नमस्कार करके वहां से चली जाती है। तो ये थी अपनी स्टोरी, जिसमें पता चलता है कि अधिक बलवान कौन होता है। वैसे बलवान देखे तो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन चैप्टर में बताया है कि सूरज जो अधिक बलवान होता है, क्योंकि उसने अपना, उसने उस आदमी का क्या किया देता है, कोट वो उतरवा देता है सूरज। तो ये आपका चैप्टर था। अब इसके शब्दार्थ अपन कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो चलो, इसके शब्दार्थ क्या है एक बार वो देख लेते हैं। तो देखो इधर, देखो शब्दार्थ, शब्दार्थ पहले देखो क्या है, ज्यादा, ज्यादा का क्या होगा, अधिक। ज्यादा का क्या होगा, अधिक। तो उसके बाद क्या है, बलवान, 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 बलवान का शब्दार्थ क्या होगा, शक्तिशाली। क्या होगा, शक्तिशाली, शक्तिशाली। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, ताकत। क्या है, ताकत, ताकत, ताकत का शब्दार्थ क्या होगा, बताओ मेरे को। ताकत का होगा बल। क्या होगा, बल। ताकत का शब्दार्थ होगा बल। उसके बाद देखो आपके शब्दार्थ है नमस्कार, 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 नमस्कार का क्या होगा, नमस्कार का होगा नमन, 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 क्या होगा, नमन। फिर देखो क्या है, तपने, 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 तपने का क्या होगा, आपका शब्दार्थ तपने का होगा जलने। क्या होगा, जलने, जलने। ये क्या हो गए, आपके शब्दार्थ भी हो गए। इस चैप्टर के शब्दार्थ है आपके कितने हैं, 5 ही है, सिर्फ 5 शब्दार्थ है। आपको ये शब्दार्थ क्या करना है, चैप्टर का नाम डाल के आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। सिर्फ 5 शब्दार्थ है, करने के साथ साथ इनको क्या करना है, लर्न भी करना है। आज की हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे, जिसमें अपन करेंगे क्वेश्चन 2 और 3। थैंक यू बेटा, बाय।